अफगानिस्तान च तालिबान के कब्जे बाद 150 भारतीयों देश लैके परत्या। ग्लोब मास्टर काबुल के गुरुद्वारे शरण लैके बैठे सिखा ने भी लाई मदद की गुहार। सफीर आर टंडन बोले अजे भी कई भारतीय अफगानिस्तान दे विच। तालिबान करके पैदा हुए हालातों लिए यूएसए नाटो सने होर मुल्कों ने भी अशरफ गनी नूं दस्या जिम्मेवार। बाइडन बोले अफगान सरकार रही नाकाम, अमरीका का टीचा राष्ट्र निर्माण नहीं दहशत नाल नजिठना सी। अफगानिस्तान ते भारत के दुवल्ले व्यापार ते तालिबान का माड़ा परछावा। हजारां लोगों की रोजी रोटी ते लटकी तलवार। हालात खराब होने करके करोड़ों के नुकसान का अनुमान। हर वरे हुंदा 1,000 करोड़ तो वधदा व्यापार। अकाली दल ने कांग्रेस नूं घेरन लई बनाई जनतक चार्जशीट नाम की किताब। कैप्टन के मंत्रियों ते लाए घोटालों के इल्जाम। सुखबीर बादल बोले पंजाबियों के दिल की गल जानन लई 100 दिनों लई करांगा पंजाब की यात्रा। लाहौर दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा बुत तोड़िया गया। पुलिस ने मुलजम नूं कीता गिरफ्तार। सिख भाईचारे च रोस दी लहर। SGPC ने मंगी कार्रवाई। JP नड्डा बोले अजिहे मामलों ते इमरान सरकार की चुप्पी ठीक नहीं। जिवें जिवें विधानसभा चोणां दा वक्त नेड़े आ रहा उवें उवें पंजाब दा सियासी पारा लगातार वधदा जा रहा है। सियासी धिरां एक दूजे नूं घेरन दा कोई मौका नहीं छड्ड रहीआं। नवें नवें तरीके लभ रहीआं ने ते हुण श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों तैयार कीती गई है जनतक चार्जशीट। इस दे विच की ने इल्जाम, की सवाल खड़े कीते गए ने, देखदे हां इस रिपोर्ट दे विच। जिहड़े लोक मिलना चाहुंदे सी उहनां नूं डांगां नाल मार के भजाया। इह तों माड़ा मुख मंत्री, ਨਲਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਖਿੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। चोणा दे मौसम च इल्जामां दी चड़ी लगी है। सवालां दी वाछड़ सिद्धा सत्ता दी कुर्सी ते बैठी कांग्रेस वल है। कैप्टन सने कांग्रेसी मंत्रियों नूं कटहरे च खड़ा कीता गया। साधु सिंह धर्मसोत, बलबीर सिंह सिद्धू, भारत भूषण आशू, सुंदर शाम अरोड़ा, अजिहे कई कैबिनेट मंत्री ने जिन्हां ते वरे ने सुखबीर सिंह बादल। किवें इन्हां दे मंत्रियों ने लेकर स्कैम कीते, किवें इन्हां दे मंत्री बलबीर सिद्धू ने अपने जमीना दे घपले कीते, ड्रग्स दियां जिहड़ियां दवाइयां सी उहदे वड्डा स्कैम कीता, किवें धर्मसोत ने गरीब बच्चों दी पढ़ाई दी स्कॉलरशिप स्कैम कीता, किवें इंडस्ट्री मिनिस्टर साम सुंदर अरोड़ा ने JCT जमीन वेच के 400 करोड़ रुपए का घपला कीता, किवें आशू ने अपनी कणक ते झोने दे स्कैम कीते। एक बहुत वड्डी चार्जशीट असी श्रोमणी अकाली दल ने बनाई है। इस चार्जशीट नूं पंजाब दे हर घर विच पहुंचाया जाऊगा, हर शहर विच पहुंचाया जाऊगा, वार्ड पिंडां विच इस चार्जशीट नूं पहुंचाया जाऊगा। ये इल्जाम हुण अकाली दल गली गली कर कर पहुंचाउण दी कोशिश है। सुखबीर सिंह बादल 100 दिन दे लई पंजाब दी यात्रा करनगे। गल पंजाब दी नाम दी वैबसाइट भी लॉन्च कीती है लोकां दे दिल दी गल जानन दे लई। की उहनां दे मन च की ख्वाहिश है कि थोड़ी सरकार की करे। ओह फॉर्म साडे जिहड़े वर्कर है पिंड पिंड जा के, वार्ड वार्ड जा के अगले 100 दिन ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान कैप्टन ते कैप्टन दे मंत्रियां बाद कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दुवाले होना भी ना भुले। नवजोत सिंह सिद्धू दे दावियां ते कुछ इउं सवाल खड़े कर रहे ने। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
फगवाड़े अपने जीरकपुर तो लैके अमृतसर तो जलंधर मंत्री सी जिहड़े सिद्धू ने प्रियंका गांधी नूं कह के रुकाई सी अपनी रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह वह भी जनता होनी चाहिए है। किसान अंदोलन ते पंजाब च मुलाजमां दी माड़ी स्थिति तो बाद हालात अजिहे हो गए ने कि लगभग सारियां सियासी पार्टियां तो लोग खफा ने, पर चोणां दी रुत्त ते इस लई वोटरां दी नबज टोहण दे लई सारियां धिरां पब्बां पार ने। बिजली नौकरियां वाले तमाम वादियां तो लैके जाति समीकरण फिट करन दी कोशिश हो रही है। पंजाब पुलिस ने बटाला जिले के पिंड सचेतगढ़ दे विचों हथियार बरामद किए ने। हैंड ग्रनेड पुलिस नूं बरामद होए ने। दो दिन पहला पुलिस दे वल्लों दो दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए सन ते पुछगिछ दे दरमियान उन्हां दी निशानदेही ते ये बरामदगी हुई है। इन्हां हथियारां दी बरामदगी हुई है पंजाब पुलिस दी गिरफ्त च आए इन्हां दो मुलजमां दी निशानदेही तो बाद, जिन्हां नूं पुलिस ने फड़िया सी आजादी दिहाड़े मौके अते हुण होर हथियार मिले ने। बटाला दे पिंड सुचेतगढ़ तो चार हैंड ग्रनेड, तीन पिस्तौल ते कारतूस बरामद होए ने। एतवार नूं पंजाब पुलिस ने अमृतपाल अते शम्मी नूं गिरफ्तार किया। दोवां नूं पुलिस ने अमृतसर तो फड़िया सी। मौके ते दो हैंड ग्रनेड, एक पिस्तौल ते कारतूस मिले सन। यूके बेस्ड दहशतगर्द गुरप्रीत सिंह लई दोवें काम करदे सन। गुरप्रीत सिंह शिंगार लुधियाना च होए बम केस दे विच वी शामिल सी, पर हुण ओह यूके दे विच है अते उसे दे इशारे ते सरहद पार तो हथियारां दी खेप लैण लई भेजे गए सन। इह खेप कुछ दिन पहलां अटारी चबाल रोड दे आले दुआले सरहदी खेतर च भेजी गई सी। डीजीपी के मुताबिक 15 ते 16 अगस्त की दरमियानी रात नूं एक नाके ते चेकिंग दे दौरान इन्हां दोवां नूं रोकिया गया सी। शक होण ते रोके गए इन्हां दोवां मुलजमां की तलाशी लैण ते हथियार मिले सन। अजिहे मामले उदों होर भी संजीदा हो जांदे ने जदों आजादी दिहाड़े तो ऐन पहलां सरहद ते टिफिन बंब मिलिया होवे अते हुण लगातार हथियारां की बरामदगी हो रही है। पंजाब मिल दे विच इत्थे रुकांगे इक छोटे जिहे ब्रेक दे लई, पर ब्रेक दे उस पार वी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा। अफगानिस्तान दे विच तालिबान दे कब्जे तो बाद स्थिति लगातार बिगड़दी जा रही है। लोग देश छड के भजना चाहते ने ते उधर भारत दी हवाई फौज दे वल्लों भेजे गए प्लेन दे विच 150 भारतीयां नूं वापस लिया गया, पर अजे भी कई भारतीय नागरिक अफगानिस्तान दे विच फसे हुए ने। खास करके काबुल दे गुरद्वारा साहब दे विच सैकड़े सिख ते हिंदू परिवारां ने शरण लई हुई है ते ओह भी भारत सरकार नूं अपील कर रहे ने कि जल्द तो जल्द उन्हां नूं भी उत्थों कढ़िया जाए। वतन की धरती ते पैर रखन दा सुकून इन्हां चेहरियां ते देखिया जा सकदा है जिन्हां ने बेचैनी दे कई दिन ते खौफ दियां कई रातां अफगानिस्तान दी धरती ते बिताईयां। भारतीय हवाई फौज दे प्लेन C-17 च मुल्क परते इन्हां लोकां च भारतीय सफारतखाने दे अफसर, स्टाफ ते ITBP दे जवान ने जिन्हां ने लंघी रात जाग के कट्टी, क्योंकि तालिबान दे लड़ाकुआं दे नाकियां नूं पार करके एयरपोर्ट पहुंचना कोई सौखा काम नहीं सी। मुश्किल दा अंदाज़ा इसे तो लाया जा सकता है कि जो राह 20 मिनट दा सी उसनूं पार करन दे लई 3 घंटे तो वध दा वक्त लग्या, पर मिशन काबुल तहत भारत अपने नागरिकां नूं सुरक्षित देश लैण च कामयाब रहा, पर अजे भी कई भारतीय मदद दी झाक च बैठे ने। The number of Indian nationals, unfortunately, our Indian nationals do not register themselves, okay? Yes, sir. Though we keep sending out advisories that, especially in countries like Afghanistan where political situations can change, it is important that Indian citizens register themselves with the Indian embassies. So there are some individuals there we know of, at least I would say, I know personally of at least 5 or 6, but there are, you know, the figures are sometimes that are quoted to us, and there could be 40 to 50. But that is not something that I will stand by officially, because we don't have it as a registered person on our database. Yes. 150 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
देखिए 10 मिनट पहले मेरी एक गुरुद्वारा में महत्वपूर्ण आदमी जो मौजूद है उनसे फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा तकरीबन 300 लोग यहाँ पर हैं और उनमें से 100 के करीब महिलाएं हैं और 50 बच्चे भी हैं। ये लोकल्स भी हैं और जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो लोग भी हैं। उन्होंने कहा खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत डरे सहमे हुए हैं सब लोग। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तालिबान ने अभी ना तो तालिबान इस गुरुद्वारा की तरफ आया है और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई अंदेशा जताया कि वो तालिबान से उनको अभी खतरा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल यहां बना हुआ है ना जाने कब क्या हो जाए, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने भारत सरकार से यह अपील की है कि वो या तो अमेरिकन फोर्सेस से बात करें या फिर वो उनको भारत बुलाएं ताकि वो जिन जहां जहां उनके कईयों के अलग अलग परिवार जहां पर हैं वहां वो जा सकें। दूसरा उन्होंने कहा मदद यह हो सकती है कि हमें जिस तरह से इवैक्यूएशन अभी हो रहा है जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उन्हीं के साथ हमें भी बाहर निकाल लिया जाए। चौथी बात उन्होंने महत्वपूर्ण यह बताई कि अब काबुल में स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन जो छोटे प्रोविंस जिन पर पहले तालिबान ने कब्जा किया था वहां हालात नॉर्मल हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो काबुल से अपने ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रहे हैं। काबुल दे विच स्थिति बद तो बदतर हुंदी जा रही है क्योंकि तालिबान दा सारा ध्यान फिलहाल राजधानी काबुल वाल है, इसलिए होरना सूबियां वाल लोकां ने कूच करना शुरू कर दिता है। पर अफगानिस्तान तो जो तस्वीरां सामने आ रही ने वो परेशान करन वालियां ने। काबुल पूरी तरह दे नाल तालिबानियां दे घेरे च है, रिफ्यूजी कैंप्स दे विच लोग हालो बेहाल ने, पर इस सब दे दरमियान तालिबान अपने कट्टरपंथी अक्स नूं तोड़न दा दिखावा भी कर रहा है। तालिबान दे एक लीडर ने अफगानिस्तान दी महिला न्यूज एंकर नूं इंटरव्यू दिता है ते नाल ही सरकारी मुलाजमां नूं अपील भी कीती है कि काम ते परत आओ, तुहानूं कोई खतरा नहीं है। उधर अफगानिस्तान दे का राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान दरमियान गलबात की कोशिश चल रही है। तालिबान की अगुवाई दे विच हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला ते गुलबदीन दे दरमियान होने वाली गलबात दे विच मकसद ए है कि तालिबान नूं मिली जुली सरकार चलाउण दे लई मनाया जाए। दो दहाके पहला यानी कि 2001 दे विच 9/11 दहशतगर्दी हमले दा बदला लैण दे लई अमरीकी फौजां अफगानिस्तान दी धरती ते गईयां सन, पर जिवें ही अमरीकी फौज वापस परती अफगानिस्तान दे विच लोकां दे हाल तरसयोग हो गए। हालांकि इस ते स्पष्टीकरण जो बाइडन ने भी दिता है क्योंकि लगातार अमरीकी सरकार ते सवाल खड़े हो रहे सन, पर जो बाइडन ने स्पष्ट कर दिता है कि सही वक्त कोई भी नहीं होना सी फौज नूं वापस बुलाउण दा, ते नाले अफगान सरकार ते फौज दी जिम्मेवारी अपने देश दे लई लड़ना ना कि अमरीकी फौज दी। आई स्टैंड स्क्वेयरली बिहाइंड माई डिसीजन। After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. अमरीकी फौज नूं वापस बुलाउण ते अफगानिस्तान च पैदा हुए हालातां ते अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने चुप्पी तोड़ी ते ठीकरा पन्निया अफगानी सरकार दे सिर। तालिबान दे कब्जे वाले अफगानिस्तान तो जदों तो दिल दहला देण वालियां ते अखां नम करन वालियां तस्वीरां नशर हो रहियां ने। सवाल सुपर पावर अमरीका ते उठ रहे ने जिस ते सफाई देण दुनिया दे सामने आए राष्ट्रपति जो बाइडन। That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. अमरीकी फौज बीते 20 सालों तो अफगानिस्तान च है। इस दौरान ही अफगानिस्तान च कुछ शांति बहाली हुई सी, हालात कुछ सुधरे सन, पर हुण जो बाइडन ने स्पष्ट कह दिता है कि उन्हां दा मकसद दहशत नाल लड़ना सी, किसी राष्ट्र दा निर्माण करना नहीं। पर फिर भी उन्होंने अरबां खर्च के अफगानी फौज नूं मजबूत किया, पर अफगानी सरकार तो बिना लड़े ही भज गई। अफगानिस्तान पोलिटिकल लीडर्स गेव अप एंड फ्लेड द कंट्री। American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong, incredibly well equipped. A force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need.
We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. तालिबान नाल अमरीकी फौज की जंग के दौरान अफगानिस्तान के चार राष्ट्रपति बदल गए पर अफगानिस्तान का मुकद्दर ना बदलिया। सियासत का दस्तूर है कि जिम्मेवारी टालन लई पिछलियां सरकारां ते पल्ला चाड़ना पैंदा है। अमरीका भी इस तो वखरा नहीं। जो बाइडन ने ट्रंप सरकार के दौरान तालिबान नाल हुए समझौते ते सवाल खड़े किए पर अपना टीचा मुकम्मल करन दे लई अमरीकी हित पूरन दा दम भी भरिया। With clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded Al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. 2000 तो वध अमरीकी फौजी बीते दो दहाकियां दौरान जंग च जान गवा चुके ने। हजारां जख्मी होए ने पर हुण अमरीका नूं इह कीमत बहुत ज्यादा लग रही है। इसे लिए अमरीका हुण होर जोखम चुकन नूं तैयार नहीं है। 9/11 दा बदला लैण लई अमरीका ने अफगानिस्तान च फौजां भेजियां सन। ओसामा बिन लादेन नूं 10 साल पहलां लभ लिया पर बावजूद इस दे 10 साल बाद अमरीकी फौज उत्थे ही रही। पर हुण अमरीका ने इह कह के किनारा कर लिया कि अपने देश लई लड़ना अफगान लोकां दा काम सी ना कि अमरीकी फौजां दा। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਵਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜਰੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਗੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੌਜਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਵਰੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਝਾਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
पहले गवर्नमेंट जी नवी सरकार आएगी मानता देगी फिर उन्हें गलबात करेगी तभी फिर पॉलिसी कंटिन्यू करेगी ना उस तो उन्हें चर फिर सर जो हम बंद हो जाएगा व्यापार जहाँ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पर की कर देने या कंटिन्यू कर देने या पुराने आर्डर नो एक्सेप्ट कर देने की कर देने ये गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना काफ़ी वेले होंगे काम तो होंगे कोई होर काम लभन गए साढ़े समेत कोई होर काम लभन गए अफगानिस्तान ते भारत चंगी व्यापारिक सांझ सी भारत वड्डी गिनती दे विच सुक्के मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स भारत भेजदा सी अते कमी आउण ते दालां ते प्याज भी भारत अते अफगानिस्तान दे दरम्यान हजारां करोड़ दा दुवल्ला व्यापार हुंदा है मुनक्के अंजीर अखरोट बदाम खुमान पिस्ता ते काजू अफगानिस्तान तो आउंदे ने तो भारत भी कणक कॉफी इलायची काली मिर्च ते कपड़ा अफगानिस्तान भेजदा है 2020-21 दोवां मुल्कां दे दरम्यान 10,387 करोड़ रुपए का व्यापार होया 2019-20 दे विच दोवां मुल्कां दे दरम्यान 11,131 करोड़ रुपए का व्यापार होया अफगानिस्तान तो बहुत माल आंदा सी सारे ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स क्रू ड्रग्स मिलिट्री अउबे सो बहुत क्रू ड्रग्स आइटम आंदियां सन काफ़ी व्यापार सी फ्रैश फ्रूट आंदा सी फ्रैश ग्रेप्स फ्रैश मेलन फ्रैश आता से काफ़ी माल से काफ़ी व्यापार से सीजन के बच्चे तो 15-20 ट्रक आ जाते सन 20-25 ट्रक भी आ जाते सन हूँ तो 2-4-5-7 ट्रक आते जाते हैं व्यापार चलता से कंटिन्यू व्यापार चलता से थोड़े ना थोड़ा बहुत ना बहुत चलता से व्यापार APTTA यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 2010 इस समझौते के तहत हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन सड़कों ते बंदरगाहों के जरिए व्यापार दिया गया सी 2010 दे समझौते करके 1965 दा समझौता रद्द हो गया सी भारत तो अफगानिस्तान दरम्यान होने वाले व्यापार के लिए दो रूट सन जिन्हों के विचों एक सी के काबिल तो पेशावर फिर तुरखम बॉर्डर जरिए इस्लामाबाद तो लाहौर ते फिर अटारी वाला रूट चुनिया जाता सी या फिर कंधार तो क्वेटा मुल्तान फिर लाहौर अते फिर आखिर ते अटारी पहुँचा जाता सी पर हुण कारोबारियों ते व्यापारियों दी नज़रां भारत सरकार वल ने क्योंकि अफगानिस्तान च तालिबान का कब्जा है ते भारत तालिबान नूं मानता नहीं दिंदा अजे इच सवाल यह है कि कारोबार प्रति भारत सरकार का की रुख रहेगा पंजाब मेल दे विच अज दे लई इन्ना ही मैनूं दिओ इजाजत परदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई तुसीं देखदे रहो ABP सांझा।